स्वागत करेंगे हमारे हमारे हर दिल। सबसे पहले राहुल गांधी साहब को जो है वो दस्तारबंदी करवाई जाएगी। हमारे हर दिल अजीज, ये देश के लोकप्रिय नेता राहुल जी आप सबके बीच पधार चुके हैं। मैं बोलूंगा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं शाहनवाज जी को आमंत्रित करता हूं, वो आके अपनी बात जल्दी से शुरू करें। मेरी गुजारिश है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की दस्तारबंदी की जाए। वहीद हुसैन शाह साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट और रशीद कसाना साहब और आरम मनाज साहब तीनों जो है वो राहुल गांधी जी की दस्तारबंदी करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जो है ताजपोशी वो डॉक्टर मुमताज शाह साहब और मुमताज बजाड साहब और बशीर कुरैशी साहब, डॉक्टर मुमताज साहब, मुमताज बजाड साहब, बशीर कुरैशी साहब। भारत सिंह सोलंकी साहब की करें हाजी आरफ शाह साहब और खुशदेव वर्मा जी। भारत सिंह सोलंकी जी को हाजी आरफ शाह साहब और केडी वर्मा साहब, हाजी आरफ शाह साहब और केडी वर्मा साहब। आज सुरंड कोर्ट के लिए यह तारीखी दिन है, यह खुशियों का पल है। इस खुशियों के लम्हे का हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि मुल्क के करोड़ों दिलों की धड़कन, इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क में जिसने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, जो मोहब्बत के मसीहा है, हमारे और आपके दिलों में बसने वाले नेता श्री राहुल गांधी जी आज सुरन कोर्ट में तशरीफ लाए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राहुल जी के लिए यही कहना चाहता हूं कि उठी चारों तरफ से जबके जुल्म और जबर की आंधी, कि उठी चारों तरफ जबके जुल्म और जबर की आंधी, प्याम अमन लेकर आ गए रोहे जमान राहुल गांधी। आप सब लोग आज इस घास कटाई के वक्त में हजारों की तादाद में आप यहां पे आए सपोर्ट करने के लिए, मेरे नेता राहुल जी को सुनने आए, फारूक अब्दुल्ला साहब को सुनने आए। आप सब पे मैं कुर्बान जाऊं, मेरी जिंदगी आपके खिदमत के लिए निशावर है। हमारे बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के सदर है और बड़ी शख्सियत है जम्मू कश्मीर की, उनका स्वागत करते हैं। भारत सिंह सोलंकी साहब जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, मनोज यादव जी और सारे सीनियर नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के नेता जो हैं, उन सब का स्वागत है। आज ये जो इलेक्शन है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, जुल्म और मजलूम की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी है जो फिरका प्रस्ता इस मुल्क को बांटना चाहती है, हमारे खिता पीर पंजाल को बांटना चाहती है, गुजर पहाड़ी को बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है। एक तरफ कांग्रेस जहां मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आज राहुल जी आए हैं, एक तरफ सबको जोड़ने के लिए आए हैं। मैं बताता चलूं राहुल जी ये जो खिता पीर पंजाल है, सुरन कोट है, यहाँ के लोगों की शराफत, यहाँ के लोगों का किरदार, यहाँ के लोगों की कुर्बानियां देश के लिए है, मगर ये नजरअंदाज हुए हैं ये लोग। ये इलाका तरक्की में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे है। जब हमारी सरकार आए तो तब इस खिता का हमें खास ध्यान रखना है, यहाँ की तरक्की करनी है, यहाँ के सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, टूरिज्म के नक्शे पे इस इलाके को लाना है। मैं आपसे वादा करता हूँ
कि मैं मुख्तसर आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह 25 तारीख को जब आप जिता के ये सीट भेजेंगे, सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आएगी, हम इस इलाके के लिए तरक्की का काम करेंगे, दरवाजे खोलेंगे तरक्की के, और आपकी आपकी खिदमत के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। मैं आपके और राहुल जी के बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा, क्योंकि आपको आज हमारे नेता, मेरे नेता, और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया हूं। राहुल जी, आपने इस इलाके के एक नौजवान बच्चे को, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, सियासी बैकग्राउंड नहीं थी, उसको आपने इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी दी। हम वादा करते हैं सुरनकोट के लोग कि हम आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं हमारे अलायंस के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि यहां आके हमारे साथी शाहनवाजी के लिए, कांग्रेस के लिए, एनसी के लिए आशीर्वाद दे। आने वाले भारत के होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी जी यहाँ पे गठबंधन के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, और आपके उम्मीदवार जो यहाँ पे खड़े हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है, उस नफरत के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है, वो कोशिश कर रही है। पहले ने उन्हें कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई की जाए, हिंदू और सिख में लड़ाई की जाए, हिंदू और ईसाई में लड़ाई की जाए, कि वो कुर्सी पे बैठ सके। उसमें वो फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, एक बात मैं आपसे कहूँ, कई लोगों ने ये फैलाया है यहाँ पे। पहले तो मैं अकरम साहब से अपील करता हूँ कि वो मेहरबानी करके उतर जाएं और इस गठबंधन की इस गठबंधन को कामयाब करें। उनका खड़ा रहना उन ताकतों को मजबूत कर रहा है जो हमें जीना नहीं देने चाहते। जो ये खुद कहता है वजीर आजम कि मुसलमान गठपैतिया हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान अगर दो गायें होंगी या भैंसें होंगी एक मुसलमान को दी जाएगी, अगर दो घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा। और ये कहता है क्योंकि जो हिंदू औरतें जब शादी होती है तो उनके यहाँ पे लगता है मंगलसूत्र, कहता है वो मंगलसूत्र उठा के तुमसे ले जाएंगे और मुसलमानों में दे देंगे। ये उस जमात के लोग हैं जो नफरत से बगैर रह नहीं सकते। इस नफरत को अगर हमने ख़त्म करना है, यह गठबंधन क्यों हुआ, हम क्यों जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों एक हुई, क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमने भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी है। हमें भी यहाँ की कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे इनको भी कई जगहों पे कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर वो फैलाते हैं कि मियाँ साहब नहीं आए, मियाँ साहब उनके साथ हैं, ये बिल्कुल गलत फहमी है। मियाँ साहब के खुद बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं कंगन से, नहीं तो वो मेरे साथ आते। आज आखिरी दिन है, उन्हें उनके लिए भी काम करना पड़ता है, बेटे के लिए काम करना पड़ता है। इसे अगर ये फैला रहे हैं, मैं अकरम साहब से फिर से कहता हूँ, ये नफरत मत फैलाओ। इस नफरत से हमें बहुत ख़त्म किया है और इस नफरत को ख़त्म करना है तो मिल के हम सब ने, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, शिया हो, सुन्नी हो, आज कोई धर्म की बात नहीं है, आज कर्म की बात है कि क्या हम
उन जमातों को दफन कर सकते हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर आपने उस नफरत को बंद करना है, उस नफरत को ख़त्म करना है, तो आज इस हाथ को वोट दीजिए और हिंदुस्तान को कामयाब बनाइए, जो हिंदुस्तान हम सब चाहते हैं। याद रखिएगा, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैंने नफरत की दुकान को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है। मैं राहुल आपकी इस बात पे एक और चीज शामिल करना चाहता हूं। हम जम्मू कश्मीर के आवाम नफरत की गाड़ी को डुबोना चाहते हैं और मोहब्बत की गाड़ी को सारे हिंदुस्तान में ले जाना चाहते हैं। ये हमारा अमल है, ये हमारा यकीन है। आज ये नहीं है क्या बनेगा, क्या उधर होगा। आज सिर्फ ये है कि 25 तारीख को माओ, बहन, भाई, बुजुर्ग सब ने निकलना है। सुबह सवेरे निकल के पोलिंग बूथ पे पहुंचना है और पोलिंग बूथ पे हाथ के निशान पे दबाना है उस मशीन को, और अल्लाह की मेहरबानी से इस गठबंधन को कामयाब करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हरदिल अजीज राहुल गांधी को सुने, ये बहुत ज़रूरी है। आपका शुक्रिया। सलाम अलैकुम। अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे सबके नेता, बड़े प्रिय नेता जिनको देखने सुनने के लिए हैं, राहुल जी आपके बीच आ रहे हैं। जनाब फारूक अब्दुल्ला जी, भरत सिंह सोलंकी जी, डॉक्टर मुमताज शाह जी, भैया 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 थोड़ा साइड हो जाइए, जनाब शाहनवाज चौधरी जी, जनाब शाबिर खान जी, जनाब इफ्तिकार अहमद जी, इंडिया अलायंस के सीनियर नेता, दोनों पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। फारूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं जहां भी ये जाते हैं। भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं।
कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले, और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है, नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है, मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को कि जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्हें कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पर दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। आप देखिए हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है, बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है, स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं, एक स्टेट को बांटा गया आंध्रा को, आंध्रा और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड बिहार में से बनाया गया, मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है, और ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे।
पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को ये पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया, और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थ्री, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं, आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यह हो जाए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। भाइयों और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं, जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं, और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुजर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर, एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट्स पास में लड़ रहे हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, आप पूरा समर्थन उनको दीजिए। और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप पूरे दिल से उनको समर्थन दीजिए और उनको जिताने का काम कीजिए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी सुंदर जगह यहां आपने मुझे बुलाया, कम टाइम के लिए यहां हूं। मैं चाहता हूं कि अगली बार आऊं तो 2-3 घंटे के लिए नहीं, मगर 1-2 दिन के लिए मैं यहां आऊं, आपके बीच में रहूं। और आप जानते हो कि जो भी आप चाहते हो मुझसे, जो भी आप काम करवाना चाहते हो पार्लियामेंट में, जो भी कहलवाना चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ हुक्म देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं जहां भी आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।